टर्टल। ओके ये देखिए इस तरह से बना हुआ है। ओके तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? यस इसके लिए हमको कलरफुल शीट, येलो रेड देन पिंक कलर भी आप ले सकते हैं जो आपके पास कलर अवेलेबल हो, पेंसिल सीजर एंड फेविकोल। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यस सबसे पहले हमको जो है टर्टल के लिए हमको राउंड शेप में जो है कलरफुल पेपर को कट करना है। यहाँ पर मैंने जो है राउंड शेप में जो है येलो पेपर को कट किया है। अगर आप चाहे तो रेड पिंक कोई भी पेपर आप कट कर सकते हैं। ओके ये पेपर कट हो गया, अब हम इसको सीजर से इस तरह से कट करेंगे। देखिए मिड तक हमको, सेंटर तक जो है हमको कट करना है। ओके ये कट करने के बाद हम इसको फेविकोल से इस तरह से लगाएंगे। ओके अब हम इसको फेविकोल से इस तरह से लगाएंगे। ओके लाइक दिस। ओके सेंटर तक हमको कट करना है, देन कट हो जाने के बाद इसको हमको फेविकोल से इस तरह से जो है लगा देना है, अटैच कर देना है। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप हम जो है रेड पेपर लेंगे। यस इसको हम साइड में रखेंगे। अब रेड पेपर लेंगे। ओके तो अब हम रेड पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से पेंसिल से हम शेप करेंगे टर्टल के फेस का और फिर इसको हम सीजर से कट करेंगे। लाइक दिस। ओके अब ये जो हमारा सेंटर है यहां से कट करेंगे बीच में से। ओके तो हमने ये जो शेप में कट किया अब हम उसको खोलेंगे और इसको भी हम सेंटर में से कट करेंगे। थोड़ा सा ही कट करेंगे, ज्यादा नहीं। यस सेंटर में से कट करने के बाद इसको हम फेविकोल से अटैच कर देंगे। यस लाइक दिस। ओके तो ये कछुए का जो है फेस जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से जो है लगाएंगे, इसको हम साइड कर देंगे अभी। अब हम जो है कछुए के लेग्स बनाएंगे। देखिए उसके लिए हमको इस तरह से शेप करना है। ये 1, 2 and 3 के इस तरह से हम जो है टर्टल के लिए शेप करेंगे। अब हम इसको सीजर से कट करेंगे। ओके तो ये हमने टोटल के 4 लेग्स बना दिए हैं। इसको अब हम इस तरह से जो हमने फेस बनाया था उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से के, और फिर यहाँ पर हम इसका फर्स्ट एक लेग इधर, एक यहाँ पर इस तरह से, देन सेकेंड वन देखिए इस तरह से जो है हम इसको फेविकोल से लगाएंगे। ओके देखिए है ना, लग रहा है ना टोटल। ओके तो इसको अब हम फेविकोल से लगाएंगे। सो देखिए हमने यहाँ पर कछुए का फेस देन यहाँ पर इसके लेग्स लगा दिए। ये देखिए इस साइड से हमने यहाँ पर इसको फेविकोल से अटैच कर दिया। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमको ये जो रेड हमने कलर लिया है उसके
इस तरह से जो है कटिंग करनी है आपको, राउंड शेप या थोड़ा ओवल शेप, कोई भी शेप बनाकर और इस तरह से आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए के, अब हम इसको फेविकोल से अटैच करेंगे। ओके सो ये देखिए हमारे टर्टल जो है रेडी हैं। ओके ये मैम ने आपको लाइव बना के दिखाया और ये आपको पहले से डेमो के लिए दिखा दिया। ओके तो आप भी घर में जो है ट्राई करेंगे। ओके टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।